एक गांव में फेकू भाई नाम का एक बंदा रहता था। उसे सब कुछ जानकारी होने के जैसा सबके सामने बड़प्पन मार के फिरता था। वो अगर किसी विषय के बारे में थोड़ा भी जानता था तो उसकी पूरी जानकारी लिए बिना वो अपना दिमाग चला के गांव वालों को गलत सलत सलाह देकर झांसे में डालता था। उस गांव का एकलौता डिग्री होल्डर होने के नाते गांव वाले सभी उसके ऊपर भरोसा करते थे। फेकू को एक बार ऑनलाइन में सभी माल सस्ते में मिलते हैं करके जानकारी मिली। बात खत्म। अगले दिन एक औरत राशन के दुकान पे जाते वक्त उसे रोक कर, क्यों गौरी ताई, आप कभी नहीं सुधरेंगे, टेक्नोलॉजी का क्या आप कभी उपयोग नहीं करेंगे? अब क्या हुआ रे? क्या हुआ पूछ रही हो? ऑनलाइन में राशन खरीदने से 20% डिस्काउंट देते हैं और ऊपर से फ्री होम डिलीवरी भी है। सच है क्या? तो वो तू ही बुक करना, मुझे नहीं मालूम मेरे। तो फेकू भाई राशनवाला.com में राशन ऑनलाइन में बुक किया। एक महीने के बाद वो फिर मिली। क्यों ताई, फिर से बुक करना है क्या? चप्पल से मारूंगी नालायक, महीने भर का राशन का पूरा खर्चा तूने मुझसे करवाया, राशन अभी तक नहीं आया। तूने दिया फोन नंबर पे फोन करती हूँ तो एक दबाओ, दो दबाओ, छह नंबर दबाओ, उसके बाद ऐश टाइप करो बोल रहे हैं, लेकिन एक भी फोन नहीं उठा रहे। एक महीने से एक दिन में जितना राशन चाहिए वो खरीद कर जी रहे हैं, और एक बार ऐसे फालतू सलाह देगा ना तो गला दबा कर मार दूंगी। चारों ओर देख के कोई देखा तो नहीं है सोचकर वहाँ से चला गया। एक दिन एक आदमी गली में जा रहा था। फेकू उसे रोक कर, क्यों नाथुराम काका, सुबह सुबह कहाँ पे जा रहे हो? हमारा अंडे का व्यापार है ना बेटा, इसलिए मुर्गियाँ खरीदने मेले में जा रहा हूँ। क्या हुआ, मेले में जाकर मुर्गियाँ खरीदोगे? नहीं काका, मत जाओ, मेरी बात सुनो। ऑनलाइन में खरीदने से आपको डिस्काउंट, कैशबैक, वाउचर सभी मिलेंगे। क्या बोल रहे? सच है क्या बेटा? तो फिर 50 मुर्गियाँ बुक कर। मुर्गियाँ मगर तगड़ी होनी चाहिए बेटा। तो फेकू उसका डेबिट कार्ड लेकर उसके मोबाइल फोन से बुक किया। कुछ देर बाद नाथुराम तंदूरी चिकन लेकर भागते हुए उसके पास आया। क्यों काका, मुर्गियाँ अच्छी है? क्यों रे हलकट, मैं चुपचाप मेले में मुर्गियाँ खरीदने के लिए जा रहा था तो मुझे रुका के ऑनलाइन में डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, वाउचर्स मिलेगा बोल के झांसे में डाल के 50 तंदूरी चिकन का ऑर्डर देगा। मेरा पूरा पैसा फोकट में गया ना रे, अब मैं ये तंदूरी चिकन का क्या करूँगा? एक काम करो काका, उसे फिर OLX में रख के बेच दे, कहकर वहां से भाग गया। एक दिन राजू, रमेश, रवि तीनों कार खरीदने के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। बस स्टैंड में फेकू उनके पास आकर, क्यों रे कहाँ जा रहे हो? तीनों कार खरीदने के लिए शहर जा रहे रे। बजट कितना है? 8 लाख में एक मध्यम वर्गीय कार खरीदने के लिए सोच रहे। तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पे है? कैसा पैदा हुए हो रे तुम लोग, क्या हुआ है रे? वही 8 लाख डालने से ऑनलाइन में नाव जितना बड़ा ओपन टॉप कार मिलेगा, चाहिए तो देख, कहकर मोबाइल में कार के फोटोज दिखाया। अब्बा वाह रे, बढ़िया है रे, लेकिन ये ठीक से काम करेगा या नहीं? वारंटी गारंटी सब देख के ही बुक करूंगा ना रे। निकालो तुम्हारे डेबिट कार्ड सब निकालो। वैसे वो कार्स बुक किया। 3 दिनों के बाद उन तीनों को खिलौने की कार्स डिलीवरी हुआ। उन्हें देखकर वो तीनों दंग रह गए। चल रे आज उस फेकू का काम तमाम करेंगे, कहकर तीनों अपनी अपनी कार में बैठकर निकले। उतने में फेकू एक खिलौने की जीप में आकर उनके कार्स को टक्कर दिया। टक्कर देते ही उसकी जीप उनके कार्स के ऊपर चढ़ गई। वो तीनों ऊपर उठे। क्यों रे, ऑनलाइन बोल के 8 लाख डलवा के ये खिलौने की कार खरीदवाएगा? निकाल रे पैसे। मैं भी ऑनलाइन में 10 लाख डाल के ये जीप खरीदा, मैं किसको बोलूं रे, कह के रोया। बाद में गांव वाले सब मिलके फेकू को गांव से बेदखल किए।